हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं रीता आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ कलीदार प्रिंसेस कली वाली कुर्ती। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, 3 मीटर कपड़ा है ये शाइनिंग वाला, और उसके साथ ही मैंने ये लाइनिंग ली है जो कि है 2.5 मीटर। तो उसको सबसे पहले हम इसे 4th फोल्ड में रख लेंगे इस तरीके से प्रेस करके अपनी लाइनिंग को, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अपने शोल्डर का निशान। शोल्डर हमारा आता है 7 इंच एंड आर्म होल भी हमारा आता है 7 इंच। इन दोनों पर हम अपना निशान लगा देंगे और उसके बाद अपना हम बस्ट का निशान लगाएंगे। तो बस्ट का निशान होता है यानी कि अपर चेस्ट जो हम कंधे के पास से नापते हैं तो वो होता है 8 इंच, और फिर बस्ट हमारा जो चेस्ट होता है वहाँ से हम नापेंगे तो हमारा आता है 8.5। अब हमारी बारी है वेस्ट की, तो हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमारा बस्ट है उसे वेस्ट से मिला देंगे, और हमारा जो हिप है वो भी 8.5 होगा क्योंकि बस्ट और हिप एक जैसा होता है, तो 8.5 हमारा हिप भी रहेगा। ओके, बाकी किसी किसी का होता है हिप ज़्यादा होता है तो वो अपना मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कर लेगा कि जो मेज़रमेंट मेरे पास है वो ऐसा मेज़रमेंट। नॉर्मली सबके में हिप और बस्ट इक्वल होते हैं तो इस वजह से ही सेम होता है। तो ये जो है 2 पार्ट में आपको बांटना है, यानी कि 7 इंचेस का दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता कि हमें कमर का निशान कहाँ से लगाना है, ठीक है। तो इन लोगों के लिए है ये, और यहाँ पर आप अपना 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे दोगे और फिर उसके बाद सीधा नीचे निशान लगा दोगे, ठीक है। और मैंने ये कपड़ा इसीलिए डबल फोल्ड में इतना चौड़ा लिया था क्योंकि मुझे ना इसकी कली बनानी थी, नॉट सीधा सीधा नहीं करना था। अगर मुझे सीधा सीधा करना होता तो फिर मैं कम कपड़ा लेती। मैंने वहाँ से राउंड शेप कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपना आर्महोल का राउंड दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं 1 इंच मार्जिन लेने के बाद ऊपर से कंधी अक्रॉस करूँगी, यानी कि इसे हम अक्रॉस बैक कहते हैं, कंधी गिराना कहते हैं। तो यहाँ से अब हमने कर दिया उसको, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और जहाँ से राउंड शेप दिया था उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो लाइनिंग हमारी कट हो चुकी है, यहाँ से राउंड शेप मैंने इसका भी दे दिया है आर्म होल का। अब हम कटिंग करेंगे इसको फैब्रिक पे, जो हमारा मेन फैब्रिक है। लाइनिंग को हमेशा पहले कट करते हैं ये ध्यान रखना, और उसके बाद हम अपना मेन फैब्रिक को कट करते हैं। और यहाँ पर हम एक नॉच लगा देंगे क्योंकि यहाँ से हमें प्रिंसेस कली की कटिंग करनी है। तो ये देखिए कटिंग हो गया है हमारा जो भी पार्ट है, और यहाँ से आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है लाइनिंग को भी और कपड़े को भी। कपड़े को 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि आपकी जो लाइनिंग है वो कपड़े के बाहर से नज़र नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँगी इस मिड पॉइंट पे आपको लगाना है एक निशान, ठीक है। इन दोनों को फोल्ड करके एक मिड पॉइंट पे आपको लगाना है निशान, और फिर इस दोनों के बीच में जो भी आता है दोनों के बीच में निशान लगाना है। 2 इंच आपको मार्जिन छोड़ना है और उसके बाद 4 इंच पे आपको मार्जिन लगाना है, यानी कि निशान लगाना है। तो यहाँ से आपको राउंड शेप देना है कमर की, ठीक है। कमर के साइड से आपको ये प्रिंसेस कली की कटिंग करनी है। तो ये हो गई हमारी कटिंग। दोनों को फिर जो भी निशान आप लगाएंगे उसको सबको सीधा कर लेना। जब सीधा कर लोगे तो ये आपका प्रिंसेस कली का निशान आसानी से बन जाएगा, और इससे आप आसानी से कट कर सकते हैं। और अब हम इसको यहाँ से पिन से सिक्योर कर लेंगे इन चारों पार्ट्स को, चारों कलियों को। इसी तरह से हम फ्रंट वालों को भी सिक्योर कर लेंगे पिन के ज़रिए। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा कली है उसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसी से हम कलियाँ निकालेंगे। ये 4th फोल्ड में था, इसकी हमने अभी कटिंग किया है ना, तो वही इसमें से कपड़ा बचा हुआ था। मैं इसमें से एक और कटिंग करूँगी, यानी कि कुछ कलियों की करेंगे। यहाँ पे 4 कली की ज़रूरत और है तो 4 कलियों की कटिंग यहाँ पर हम इससे करेंगे। कपड़े के साथ इस तरीके से रखेंगे, जो हमारा कटा हुआ फैब्रिक है उसको हम इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। दोनों कलियों को इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और फिर उस पर निशान लगा देंगे, जिससे जितनी चौड़ी कली हमें चाहिए उतनी दूरी पर हम उसका निशान लगा लेंगे दोनों तरफ से, और उसी निशान पे फिर हम कटिंग कर लेंगे। इससे आसानी हो जाएगी हमें कटिंग की शेप देना। और जिस तरीके से हमने निशान लगाया है आपको सिलाई भी उसी तरीके से करना है। ऐसा ना हो कि आप इधर का उधर पे सिल दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस वाले पार्ट को इसी से सिल सकते हो और इस वाले पार्ट को इससे सिल सकते हो, ठीक है। तो जो जिस तरीके से आपने यहाँ पर रखा हुआ है स्टिचिंग भी सेम इसी तरीके से होगी, ओके। तो यहाँ पर होगा हमारा ये मार्जिन है और ये कटिंग इस तरीके से मैंने इसको दोबारा से रख लिया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इस मैंने पेंट से यहाँ पर सिक्योर करके आपको दिखाया है कि कैसे आपको सिलाई करना है।
तो बीच में जो कलियां हमने एक्स्ट्रा ली थी वो कलियों को आपको बीच में ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसा निशान था उसी निशान के ज़रिए आपको इसको सिलना है। तो मैंने तीनों चारों कलियों को सिल लिया है, ठीक है। फ्रंट से ये कितना अच्छा लग रहा है, इसके हम प्रेस लगाने के बाद इस तरीके से ये दिखेगा। इसी तरह से हम इसका बैक पार्ट भी सिल लेंगे और उसके बाद इसके लाइनिंग को हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमारी लाइनिंग आती है, लाइनिंग को हम अपने फैब्रिक के ऊपर रख के इसको जॉइन करेंगे, यानी कि जो हमारा फ्रंट फैब्रिक है इसको सीधा रखेंगे फैब्रिक को, और उसके बाद हमारी लाइनिंग है उसको उल्टा रखेंगे। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से दोनों को इक्वल रखने के बाद इसके हम बीच में निशान लगा लेंगे, सॉरी सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद इसमें साइड में सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद गले के निशान लगा के गले को स्टिच कर लेंगे। गले के निशान पर सिलाई के लगा देंगे और इसको उल्टा कर देंगे कटिंग करने के बाद, तो ये हमारा जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गले का निशान लगा रहे हैं हम, तो गले के निशान है ये 3 इंच और गहराई होगी 7 इंच, ठीक है। 7 इंच पे हम यहाँ पे गोलाई दे रहे हैं हमारे नेक की। बैक का गला हमारा छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग जितना भी बड़ा गला या जितना भी छोटा रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब जो मैंने एक तरफ जो निशान लगाया है उसको दोनों तरफ हमें लाना है, तो इसके लिए मैं इसको दोनों तरफ से फोल्ड करके डैप डैप कर दूंगी ताकि जो निशान नीचे है वो ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड में निशान आ जाएगा और उसी निशान पर मैं इसमें स्टिचिंग कर दूंगी। इस निशान को मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी ताकि सिलाई करते वक्त दिखाई दे। इसी निशान पर मैं इस गले की सिलाई कर दूँगी और फिर सिलाई करने के बाद इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से डार्क कर लेना है ताकि आपको भी सिलाई करते वक्त इसका निशान नज़र आए और गला कभी भी टेढ़ा मेढ़ा ना बने, गोल बने प्रॉपर तरीके से। ये और सेकंड वाला जो है हमारा उसमें भी सेम यही चीज़ करना है। तो देखिएगा, सिलाई मैंने लगा ली है उसी निशान पर, अब इसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग ये देखिए हो गई है इसकी, तो यहाँ पर 1/2 इंच मुझे मार्जिन लेना है और उसके बाद कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये नॉचेस लगा देंगे यहाँ पर जिससे कि गला पलटने में आसानी हो, ये ज़रूरी होता है नेक में। तो ये देखिए गाइस, मैं इसको इस तरीके से पलट दूंगी नेक जो मैंने बनाया है, और जो बीच में सिलाई लगाई है ना उसे आप निकाल देना बाद में, जब सिलाई हो जाए गले की तो आप इसके बीच की सिलाई जो लगाते हैं वो निकाल देना, और उसके बाद इसे पलट लोगे, उसके बाद इस पर आप लगा लोगे प्रेस, तो ये एकदम बैठ जाएगा आपका गला और एकदम राउंड शेप में आएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका गला अच्छा सा बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये गला हमारा बन चुका है, आपको इसमें बुकरम या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल आसान तरीके से आपका ये गला बनकर रेडी हो गया है। आप यहाँ पर प्रेस लगा लीजिए और इसे अच्छे से बैठा दीजिए प्रेस की मदद से, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें बैक पार्ट भी बनाना है। तो बैक पार्ट के लिए ये देखिए मैंने प्रेस लगा लिया है, और प्रेस लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सेम इसी तरह से आपको बैक पार्ट भी बनाना है। तो बैक पार्ट भी बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने गले को बहुत छोटा बनाया है बैक पार्ट को, और अब हम दोनों पार्ट को आपस में स्टिच करेंगे वो कैसे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनिंग और फैब्रिक को अलग अलग कर दिया मैंने। दोनों फैब्रिक को आपको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के अटैच करना है, और लाइनिंग वाली साइड को लाइनिंग से, फैब्रिक वाली साइड को फैब्रिक से अटैच करके आपको सिलाई करना है। आपको बहुत आसान तरीका है ये, जिससे आपको ना इंटरलॉक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और गुम सिलाई कहते हैं इसको। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग वाली सिलाई लग जाएगी यहाँ पे, और दोनों ही कंधियों में सेम ऐसे ही करना है। तो मैंने कर दिया है, यहाँ पे आपको दिखाया है। देखिए गाइस, ये दोनों पार्ट को मैंने आपस में सिल दिया और फिर वापस से इसको मोड़ दिया है। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने इसकी स्टिचिंग करी है सीधा सीधा, और फिर इसको ऐसे पलट दोगे तो ये आपका फिनिशिंग के साथ आपका ये जो कंधियाँ हैं वो जुड़ जाएंगी। आप इसे बैक साइड से देखेंगे तो एकदम फिनिश से फिनिश नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलाई अंदर चली गई है दोनों, ठीक है।
तो ये करना काफ़ी अच्छा रहता है, इससे हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए साइड की सिलाइयाँ मैंने लगा दिया है यहाँ पे, तो मेरे पास कुछ वीडियोस थी गाइस वो डिलीट हो गई हैं, जिसके कारण मैं आपको फुल वीडियोस नहीं दिखा पा रही। बट कोई बात नहीं, साइड की सिलाइयाँ जो निशान हमने लगाया था उसी निशान पर सिलाइयाँ मैंने लगा दिया है, तो ये मैंने आपको दिखाया इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब हम इसका बॉटम पार्ट जो है उसे फोल्ड कर देंगे और इसके बाद इस पर लेसेस लगाएंगे और अपना जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको भी फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया रेडी और उसके बाद हम अंदर से इसकी लाइनिंग को स्टिच करेंगे। लाइनिंग को हम कपड़े के साथ में अटैच नहीं करेंगे, लाइनिंग फ्री रहेगी। तो गाइस यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करना शुरू कर दिया है हमारे बॉटम पार्ट को। इसको फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इस पर लेस। तो ये देखिए फोल्ड कर दिया है, अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं ये वाली पतली वाली लेस। इसकी 3 लेयर्स बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है गाइस। यहाँ पर हमारी बारी है अब इसमें लेस लगाने की। आप चाहो तो किसी भी तरह की और तरह की कोई और आपको पसंद है तो वो आप लगा सकते हो। मुझे ये सिंपल सा डिज़ाइन देना था इसमें, एकदम पतला सा बारीक से जो लेस आता है वो मैंने इसमें यहाँ पर लगा दिया है। तो अब यहाँ पर हम कर लेंगे यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव को ऊपर से 3 इंच काटना है, सॉरी 3 इंच का मार्जिन छोड़ना है और उसके बाद यहाँ से डाउन में आपको इस पर निशान लगा देना है। और उसके बाद तो फिर आपकी निशान जितना भी आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग निशान लगा दीजिएगा आप, ठीक है। मैं बना रही हूँ शायद 19 इंच की है ये, क्योंकि कुछ मार्जिन होगा 18 इंच की ये तैयार हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा ही मार्जिन लेना है, 1/2 इंच का अंदर की साइड फोल्ड करना है। बेल्ट स्लीव है, हमारे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने इस तरीके से कटिंग किया है, बट इस तरीके से कटिंग करने के बाद भी ये अच्छी बनती है। तो अब यहाँ पर भी हम 3 लेयर्स में लगा देंगे लेस और इसे भी पहले हम 1/2 इंच अंदर से फोल्ड करेंगे, जैसे हमने अपने बॉटम को फ्रॉक के बॉटम को फोल्ड किया है उसी तरीके से। तो ये मैंने लगाना शुरू कर दिया है, सारी लेसेस मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। 3 लेयर्स यहाँ पर बना दिया, सेम इसी तरीके से हमने अपने फ्रॉक के बॉटम में बनाए हैं। तो गाइस हमारी स्लीव बनकर भी रेडी हो चुकी है, अब हमें इसे साइड में सिलाई लगाकर अपने सूट में अटैच करना है। इसे फोल्ड करके हम जितना भी हमारा मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर सिलाई लगा देंगे और इससे हम राउंड करके इसे स्लीव को अटैच कर देंगे। तो गाइस ये सबसे बेस्ट वे होता है स्लीव अटैच करने का और इससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्लीव अटैच हो जाती है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।